मोदी सरकार के मंत्री के बिगड़े बोल, बोले गांव तक नहीं पहुंच सकता सांसद, हर कमी के लिए भगवान को बताया जिम्मेदार, दुनिया में भेजा है तो जिम्मेदारी भी भगवान की। क्या चुनाव लड़ने और सांसद या फिर विधायक बनने के बाद और इससे भी आगे जाकर मंत्री बनने के बाद नेता का दिमाग काम करना बंद कर देता है या उसे ये भी मालूम नहीं रहता कि उसे क्या बोलना है और क्या नहीं? हम आपको बीजेपी नेता और मोदी सरकार में मंत्री महेश शर्मा की ऐसी रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जिसमें वो बड़े ही साफ शब्दों में सारा इल्जाम भगवान पर लगा रहे हैं। आइए पहले उनके ये प्रवचन उनकी जुबानी ही सुन लेते हैं। इस बात का जवाब कि सांसद जी आएंगे, मंत्री जी आएंगे, भैया अपने आप को भी रख देंगे तो सांसद कभी गांव तक पहुंच नहीं सकता। रोजाना मिलता भी हूँ, किसी का फोन गया होगा तो कॉल बैक भी करता हूँ। काम किसी के करना भगवान के लिए भी संभव नहीं। सबसे बड़ा बेवकूफ अगर इस मामले में अगर कोई है तो हमारा कहीं वो ऊपर वाला भगवान ही, हम सब कौन है, उसी के तो बनाए हुए हैं। धरती पर हमें भेजा है तो हमारे लिए घर देता, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए जिम्मेदारी पैसे देता, हमारी जेब खर्ची के इंतजाम करता, कम से कम देश में सब आदमी जो पैदा होते तो 3-2 टाइम की रोटी तो मिल जाती। आज भी बलिया उत्तर प्रदेश में जो मिड डे मील मिलता है वो बच्चे सवेरे घर से भूखे आते हैं, शाम को भूखे जाते हैं, तो दोपहर का खाना इतना खा लेते हैं 24 घंटे खाना। यानी मंत्री जी के हिसाब से हमारी हर परेशानी के भगवान ही जिम्मेदार है। अगर पिछले 5 सालों में वो अपने क्षेत्र के गांव की हालत देखने नहीं गए तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं। और रहा किसी का काम कराना तो वो तो भगवान के बस के भी नहीं, तो फिर वो तो एक अदना से सांसद है। महेश शर्मा सही कहते हैं कि हर बात के लिए भगवान ही जिम्मेदार है, तो ऐसे में महेश शर्मा को सद्बुद्धि देना भी उसी के बस की बात है। कोई आम इंसान उन्हें समझा सके ये तो नामुमकिन ही लगता है, लेकिन पार्टी उन्हें कितना समझाती है ये भी देखने वाली बात होगी।